सो गाइस सिंचन में मूवी मिस्ट्री मैकी के पार्ट 9 की स्टार्टिंग में हम सभी लोगों को वहीं से रेज्यूम होता हुआ दिखाया जाता है, जहाँ पे रोरो इंसान बो को समझा रही होती है कि इस बात के बारे में किसी को मैं बताना कि मैं क्लॉक टावर के पास में थी रात में। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि जो नैनी है वो अपने फ्रेंड्स का वॉशरूम के बाहर वेट कर रही थी, एंड देन वो भी फीमेल वॉशरूम के अंदर जाती है क्योंकि उसे अंदर से कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही होती हैं, एंड इसीलिए वो फीमेल वॉशरूम के अंदर से पीक करने लग जाती है कि आखिर यहाँ पे कौन है। तो फिर वो देखती है वहाँ पे आगे हाचान होती है एंड वो अपना मेकअप कर रही होती है, एंड मेकअप करते करते आगे हाचान नैनी को शीशे में देख लेती है एंड उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं ही कल्प्रिट हूँ। एंड ये देखते ही आगे हाचान की इस आवाज़ को सुनते ही जो नैनी वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है एंड उसे पता चलता है कि उसने शीशे से उसको देख लिया है। एंड उसके बाद आगे हा कहती है कि तुम कैस लैब ग्रुप की मेम्बर हो ना, एंड उसके बाद वो कहती है कैस लैब क्या है, तो वो कहती है कासुगा डिटेक्टिव क्लब को हम सब लोग कैस लैब भी बुला सकते हैं शॉर्ट में। एंड देन उसके बाद आगे हा कहती है वैसे मैं कल्प्रिट नहीं हूँ, एंड अगर तुम्हें लगता है मैं कल्प्रिट हूँ तो फिर मैं स्कूल से चली जाऊँगी। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को दिखाया जाता है कि उसी बाथरूम में चीज़ी ओसान भी एक बाथरूम के अंदर थी एंड वो ये सारी बातें सुन रही थी, चीज़ी ओसान उन लोगों की ग्रुप लीडर। एंड उसके बाद जो आगे हाचान होती है वो कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि चीज़ी ओसान ही वो वैम्पायर हो, क्योंकि वो जब गिर गई थी तो फिर तब के बाद उसको दोबारा कॉम्पिटिशन में आने का मौका नहीं मिला, जिससे कि वो सुपर एलाइट ग्रुप से बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर चुकी है। ऐसा हो सकता है वो इस सब चीज़ का रिवेंज लेने के लिए सभी लोगों को बाइट करती हो एंड सभी के सभी लोग बच्चों को बच्चा बना देती हो जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं। एंड देन उसके बाद ये सुनते ही चीची को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो दरवाज़ा पीटते हुए बाहर निकलती है। एंड देन उसके बाद वो आगे हा को कहती है कि गलत रूमर्स मत फैलाओ एंड अपना काम करो। एंड उसके बाद वहाँ से आगे हा जान बहुत ही ज़्यादा गुस्से में निकल जाती है एंड देन वो उस क्लॉक टावर के सामने एक जंगल में जाती है एंड उस जंगल के वहाँ जाकर वो एक पेड़ को देखती है एंड वो पेड़ के ऊपर बिल्कुल नैनी की तरह ही एक बनी को सिठाती है एंड उसे मारने लग जाती है एंड वो नैनी की तरह उस बनी को मारने लग जाती है, जैसे बिल्कुल नैनी अपना गुस्सा निकालती है। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि आखिर मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एंड देन उसके बाद चीज़ी ओसान कहती है कि मैं सभी को एक बच्चा बना दूंगी। एंड देन उसके बाद वो उसी वैम्पायर का मास्क पहन लेती है एंड वो उस वैम्पायर को मास्क पहने हुए बोलती है कि मेरा मकसद है कि मैं एक एक स्टूडेंट को बच्चा बना डालूँ। एंड हमें दिखाया जाता है शायद चीज़ी ही वो वैम्पायर है। एंड देन उसके बाद सारी के सारे ग्रुप मेंबर्स सोच रहे होते हैं कि आखिर कल्प्रिट कौन है एंड उन लोगों को अब से चीज़ी ओसान पे भी थोड़ा बहुत शक जाने लगा था। एंड देन उसके बाद नैनी जो सिंचन होता है उसको इंचार्ज बना देती है चीज़ी ओसान के इन्वेस्टिगेशन का एंड वो बाकी सब लोगों को भी अलग अलग इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाती है। वो बो को रोरो ओसान की इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाती है एंड मसाओ को जो हमारा मास्क आयरन मास्क है उसके इन्वेस्टिगेशन का इंचार्ज बनाती है। एंड देन उसके बाद नैनी कहती है कल सैटरडे तो फिर सभी लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एंड देन उसके बाद हम सभी लोगों को वैम्पायर क्लॉक टावर के अंदर खड़ा हुआ दिखाया जाता है एंड देन वो वैम्पायर अपने हाथ में एक फ़ोटो लिए हुए होता है कासुगा डिफेंस ग्रुप के सारे बच्चों की। एंड उस बच्चों की फ़ोटो को देखते हुए वो बोलता है कि अगला टारगेट है एंड यहीं पर जो फ्रेम होता है वो चेंज कर दिया जाता है, हमें नहीं दिखाया जाता कि आखिर अगला टारगेट कौन होने वाला है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रोरो सान का पीछा कर रहा होता है, जहाँ पे जो रोरो होती है वो कोमोडो ड्रैगन के ऊपर बैठकर उस क्लॉक टावर के पास जा रही होती है, तो वो उसका पीछा करने लग जाता है। एंड हमें दिखाया जाता है कि अब सैटरडे हो चुका है। एंड दूसरी तरफ हम सब लोगों को सिंचन दिखाया जाता है जो कि आगे हसान की निगरानी में था। एंड देन उसके बाद वो उसको कहता है अच्छा तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा था। एंड हमें दिखाया जाता है कि आगे हा बच्चों को रनिंग करते हुए देख रही थी एंड वो काफ़ी ज़्यादा निराश थी एंड वो सोच रही थी कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। एंड उसके बाद सिंचन कहता है आओ मेरे बट पे बाइट कर लो क्योंकि तुम तो ऐसा सकिंग डीमन हो ना। एंड उसके बाद आगे है इसका कोई भी रिप्लाई नहीं देती। एंड उसके बाद वो बड़ी ही मुश्किल से उससे एक रिप्लाई लेता है। एंड उसके बाद आगे कहती है कि मैं सोच रही थी कि मैं स्कूल छोड़ूँ या ना छोड़ूँ। एंड उसके बाद सिंचन कहता है कि सब कुछ मेरे को बता दो। एंड उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं तुमसे इतनी सादा अनहैप्पी बातें कर रही हूँ एंड देन मैं गिव अप करने वाली हूँ। एंड उसके बाद सिंचन कहता है कि सब कुछ बाहर निकाल दो, अपने अंदर जितना भी बोझ है उसे बाहर निकालने से मन हल्का हो जाता है, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी क्या अनहैप्पी सोच है, अपने आप को हल्का कर लो। एंड देन उसके बाद जो हमारे ओत्सुमन होती है वो सिंचन को बुलाती है
और कहती है सुमिको सेंसे का एक लेक्चर है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। एंड देन उसके बाद सिंचन उसके साथ चलते चलते अलग अलग जगह पे जाने लग जाता है। एंड देन उसके बाद सुमन कहती है कि एक प्राइवेट लेसन है, जल्दी चलो। एंड देन उसके बाद सिंचन ये सुनते ही उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि इन सब चीज़ों को कजामा पीछे से देख रहा होता है। एंड कजामा सिंचन के पीछे पीछे जाने लग जाता है। एंड देन उसके बाद जो नैनी होती है वो अपने डायरेक्टिव क्लब के अंदर बैठी हुई इन्वेस्टिगेशन के बारे में सोच रही होती है कि आखिर उस 33 का मतलब क्या है। एंड वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च में लगी हुई थी, हमें ऐसा दिखाया जा रहा था। एंड देन उसके बाद हमें बो दिखाया जाता है जो कि उस रोरो सैन के पीछे ही क्लॉक टावर के अंदर आ जाता है। एंड देन रोरो सैन उस क्लॉक टावर के अंदर ही उसको पकड़ लेती है और उससे कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए, अब मैं तुम्हें यहाँ पे ऐसे नहीं जाने दे सकती। एंड देन रोरो सैन उसके पास आने लग जाती है। एंड देन बो को लगता है कि शायद रोरो सैन ही वैम्पायर है एंड वो उसकी एस को बाइट करने वाली है। तो फिर वो उससे कहता है प्लीज़ मेरे को बाइट मत करो। एंड देन उसके बाद रोरोसान कहती है ये तुम क्या कह रहे हो। एंड देन रोरोसान उसको साइड में करती है और उसे एक बक्सा खोल कर दिखाती है जहाँ पे कुछ छोटे छोटे कोमोडो ड्रैगन्स थे। एंड देन उसके बाद वो कहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा जहरीले हैं एंड इसीलिए मैं इन लोगों को यहाँ पर छुपा के रखती हूँ। एंड अगर प्रिंसिपल को इनके बारे में पता चल गया तो वो इन्हें स्कूल के बाहर से निकाल देंगे। एंड देन उसके बाद आज गाइस जो बो है वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीला हो जाता है एंड वो अपने मन की बात रोरो को कहने ही वाला होता है। एंड वो उसे बता देता है कि वो उसे पसंद करता है। एंड देन उसके बाद रोरोसान कहती है कि मैं इंसानों को नहीं पसंद करती, मेरे को इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड ये सुनते ही बो को ये रिजेक्शन थोड़ा बहुत निराश कर देती है। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उत्सुमन सिंचन को एक बुक दे देती है एंड कहती है कि इसे पूरा पढ़ो एंड जब तक तुम इसे पूरा नहीं पढ़ते तो फिर तब तक सुमिको सेंसे यहाँ पे नहीं आएगी। एंड देन उसके बाद सिंचन कहता है क्या ये मेरे को पूरी पढ़नी है। एंड देन उसके बाद उत्सुमन कहती है जैसे तुम ये पढ़ लोगे तो फिर सुमिको सेंसे यहाँ पे आ जाएगी। एंड ये सुनते ही सिंचन उसे पढ़ने लग जाता है। एंड देन हमें दूसरी साइड पर फिर से नैनी दिखाई जाती है जो कि अपने डायरेक्टिव रूम में बैठी हुई सोच रही होती है कि आखिर ये सब कुछ क्या है, 33 का क्या मतलब है एंड आखिर कजामा ने इसी पेंसिल के थ्रू ये 33 क्यों लिखा। एंड हमें दिखाया जाता है कि जो नैनी है उसके हाथ में वही खजामा वाली पेंसिल होती है। एंड जब वो उसको देखती है तो फिर उसके ऊपर जो कान लिखा हुआ होता है यानी कि परमिशन। एंड गाइस परमिशन का मतलब इंग्लिश में होता है कि जल्द से जल्द कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है। एंड ये देखते ही नैनी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि आखिर इस पेंसिल पे ये क्या लिखा हुआ है। एंड हमें दिखाया जाता है कि सिंचन उस बुक को पढ़ते पढ़ते सो जाता है। एंड जब उसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को उस क्लॉक टावर में पाता है एंड वो देखता है कि आखिर इस क्लॉक टावर में वो कैसे आ गया। हमें दिखाया जाता है कि सिंचन की भट के ऊपर एक अजीब सा पंप लगा हुआ होता है जो कि उस वैम्पायर ने उस पर लगाया हुआ होता है। एंड देन वो वैम्पायर भी सिंचन को वहीं पे उसके पीछे खड़ा हुआ दिख जाता है। एंड उसको देखते ही सिंचन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। एंड देन वो वैम्पायर किसी कंप्यूटर की मदद से सिंचन का ब्रेन पढ़ रहा था एंड उस ब्रेन को वो वैम्पायर स्टडी करने लग जाता है। एंड देन वो कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में आज तक इतना बुद्धू ब्रेन कभी नहीं देखा। एंड वो सोचता है मैं इसे और कितना स्टूपिड बना सकता हूँ। एंड देन उसके बाद जो कजामा होता है वो वहाँ पे पीछे से आ जाता है एंड वो सिंचन के ऊपर लगा हुआ पंप अपने बट पे लगा लेता है। एंड देन उसके बाद वो कहता है कि ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मैं इसके बारे में पहले से जानता हूँ। एंड गाइस तभी जो वैम्पायर है वो गलती से स्विच को दबा देता है क्योंकि वो देखता नहीं है कि वो जो पंप है वो एक्चुअली में कजामा पे लगा हुआ है ना कि सिंचन पे। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग गार्डन में बैठे हुए थे जहाँ पे बो रो रहा था एंड मसाओ उसकी हेल्प करने आता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम रो क्यों रहे हो। एंड गाइस तभी नैनी वहाँ पे भागते हुए आती है एंड वो कहती है कि हम सभी लोगों को अब तक ये लग रहा था कि क्राइम स्पॉट वो क्लॉक टावर है पर ऐसा नहीं है, मेरे को अब जाके रियल क्राइम स्पॉट पता चला है। एंड गाइस यहीं पे सिंचन मूवी मिस्ट्री मैकी का पार्ट 8 की एंडिंग हो जाती है।